नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी। रुख करेंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। जी हां, बता दें खबर यूपी के आगरा से है, जहां सपा नेत्री जूही प्रकाश ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बता दें पत्नी ने पति पर उत्पीड़न और 50 लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया है। वहीं कमिश्नर ने महिला की शिकायत के बाद जांच के बाद ससुराल के 8 लोगों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया है। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? पुष्पेंद्र जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है मेरे पास जो है। मैं बिल्कुल देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जी प्रकाश ने जो मुकदमा दर्ज कराया अपने पति के खिलाफ जो है, ये कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है पति की तरफ से जूही प्रकाश के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था, फिलहाल अब जो जूही प्रकाश है उन्होंने अपने पति के खिलाफ और अन्य लोग हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और जूही प्रकाश जो है इस समय सुर्खियों में भी है। जी जी पुष्पेंद्र जी, अगर बात करें जूही हैं जो सपा नेत्री हैं, उनके परिजनों की कहना है कि पारिवारिक लोग अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो उन्होंने थाना सागंज थाने में वहां पर अपने पति के खिलाफ और जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, उनकी ननद हैं और उनके ससुर हैं और सास हैं और बाकी अन्य जो उनके जो दोस्त हैं जो मिलने वाले हैं, टोटल जो है 8 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहां अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा की गई। रामगोपाल मिश्रा के हत्या आरोपियों के घर भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा की गई है। बता दें कि 23 अतिक्रमणकर्मियों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया है। वहीं 19 मुस्लिम और 4 हिंदू अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस चस्पा कर अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर अवैध अतिक्रमण खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के बाद पार्टी में फूट पड़ गया है। घोषणा के बाद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरशद राणा ने मीरापुर उपचुनाव के लिए पर्चा खरीदा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरशद राणा को जानकारी नहीं है। बता दें कि चरथावल विधानसभा से अरशद राणा की पत्नी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है। बता दें कि 13 नवंबर को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं खबर यूपी के आगरा से है, जहां आदमी की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। नर्सरी के अंदर शव मिला। एसीपी छत्ता, थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर की स्वाट सर्विलांस और जंगीपुर थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही तकरीबन 22 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गाजीपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से तस्करी में प्रयुक्त 4 वाहन और 1 तमंचा बरामद किया गया है। देखिए, विगत दिनों भी पुलिस लगातार मादक पदार्थों में और शराब के लिए तस्करी के संबंध में लगातार कार्रवाई करती रही है। इसी कार्रवाई के दौरान आज सूचना मिली कि हाईवे से होते हुए कुछ हरियाणा की तरफ से शराब तस्कर बिहार की तरफ जा रहे हैं। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पीड़ित छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। फांसी लगने से पहले छात्रा ने सुसाइड नोट लिखा। एक दिन पहले परेशान करने वालों के विरुद्ध लिखित शिकायत दी थी। रिश्तेदारी का युवक ब्लैकमेल कर रहा था। छात्रा ने अपने भाई, जीजा और बहन से शिकायत की थी। छात्रा के पिता ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर यूपी के कानपुर से है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से प्रदेश के कई जिलों में जुमे के दिन हाई अलर्ट जारी किया गया। वहीं कानपुर पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर जनता में विश्वास जगाने का प्रयास किया है। सीसा मऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मूड में है। सड़क से आसमान हर जगह से सुरक्षा व्यवस्था में पैनी नजर रखी जा रही। वहीं अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरीश चंद्र ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। ये देखिए, आप लोग अवगत होंगे नोडल कोड ऑफ कंडक्ट सीसा मऊ विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें लगा हुआ है। इसी को देखते हुए और आज चूंकि फ्राइडे भी है तो जनरल अलर्टनेस हमारी रहती है। हमारे जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पे हम लोग फ्लैग मार्च करते हैं।
वहीं खबर यूपी के मुरादाबाद जिले से है, जहां रामगंगा नदी के किनारे मिला महिला का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबर यूपी के से है, जहां रामगंगा नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में दो शवों के मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को एक महिला की सिर कटी लाश पड़े होने की सूचना मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच के दौरान पुलिस को महिला की सिर कटी लाश के साथ साथ कुछ ही दूरी पर एक बच्चे का भी शव मिला। दोनों शवों को पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, कल SHO कटघर को सूचना मिली कि नदी में, रामगंगा नदी में एक महिला का शव है। उसके बाद बेसिकली सबसे पहले इन लोगों को उस बच्चे के शव की सूचना मिली थी, और जब वो लोग ढूंढ रहे थे उसी समय महिला के शव की सूचना मिली थी। दोनों डेड बॉडीज को वहां से हम लोगों ने मोर्चरी भेजा है। जो महिला थी उसकी उसकी बॉडी केवल थी, उसमें सर थोड़ा दूर पे मिला था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद ठाकुर है जी। पुलिस मित्र हूँ। आज यहाँ पे क्या हुआ? आज ये सूचना मिली थी करीबन 11:30 टाइम में, तो कोई बच्चा बेकार है। पुलिस गई वहाँ, तो वहाँ से वो नहीं मिली पाई। आगे आके कल्याणपुर में रामगंगा पुल है, इसके नीचे इसकी बॉडी प्राप्त हुई है। कोई पहचान? पहचान अभी इसकी कोई नहीं हुई है। कोई पहचान नहीं हुई? कोई पहचान नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है, प्रशासन आ गया है। हाँ जी। वहीं खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां योग साधना महाराज यशवीर महाराज का जिहादी गैंग पर तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पूरे देश में हिंदुओं के पूजा पाठ का सामान बेचने वाले जिहादी सक्रिय हो गए हैं। इस्लाम मजहब में जब मूर्ति पूजा हराम है, तो ये मुस्लिम हिंदू पूजा पाठ का सामान क्यों बेचते हैं? इसके साथ ही उन्होंने दीपावली पर्व पर हिंदुओं से विशेष समुदाय की दुकान से खरीददारी न करने की भी अपील की है। वहीं खबर यूपी के सिद्धार्थ नगर से है, जहां देवीपाटन दर्शन के लिए बस अनियंत्रित होकर साइकिल चालक को बचाने के चक्कर में नदी में गिर गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनकर बस में से लोगों को निकाला। बता दें, बस में कुल 53 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस व लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। वहीं खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां डीडवाना में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसके तहत डीडवाना पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने SP कार्यालय में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी और विभिन्न थानों के क्षेत्राधिकारी भी मौजूद है। इस दौरान SP ने जिले की कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों और परिवादों की समीक्षा की, साथ ही अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को सतर्क और मुस्तैद रहने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं महिला अपराध और नाबालिगों के प्रति होने वाले अपराधों की समीक्षा करते हुए ऐसे अपराधों पर रोक लगाने की भी हिदायत दी है। वहीं खबर राजस्थान के जोधपुर जिले से है, जहां एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इसको लेकर जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक डॉक्टर मनोज शाश्वत ने कहा कि किसी भी संगठन के लिए, विशेषकर सामाजिक संगठन की सफलता के लिए, उसके सदस्यों और पदाधिकारियों में अनुशासन और समर्पण की भावना प्रथम शर्त होती है। कोई भी संगठन कार्यकर्ता के अनुशासन से ही तो व्यवस्थित और संगठित रहता है। संगठन के विस्तार के लिए समर्पण की भावना भी आवश्यक है। बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी मौजूद रहे।
वहीं खबर राजस्थान के करौली से है, जहां करौली में पांचना बांध को पर्यटन स्थल बनाने की मांग पूरी होती नजर आ रही है। बता दें, पर्यटन विभाग सहित कंसल्टेंट कंपनी के अधिकारियों ने पांचना बांध का जायजा लिया है। वहीं इस मामले में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से मुलाकात कर विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। साथ ही बांध पर पर्यटन गतिविधियों विकसित करने की दृष्टि का भी जायजा लिया गया है। जल संसाधन विभाग के एक्सीएन सुशील गुप्ता, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन सीपी गुर्जर और अधिकारियों तथा पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बैसला ने मामले को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां माधव और केशव संस्कार केंद्र में पढ़ रहे नन्हे बालक बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इसको लेकर अजय झांसी ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से गठित महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र की हेड कांस्टेबल शारदा पूनिया और कांस्टेबल किरण चौधरी डॉक्टर श्वेता सोलंकी ने बच्चों के साथ संयुक्त रूप से सत्र का आयोजन किया। आज के समय में इस विषय की गंभीरता हमारे समाज में गहराई से महसूस की जा रही है। जब इस प्रकार की घटनाएं बच्चों के साथ घटित होती हैं तो वे यह समझ नहीं पाते, लेकिन उनके मस्तिष्क और मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आगे चलकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का कारण बनता है। वहीं खबर राजस्थान प्रदेश के करौली से है, जहां करौली में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां बायोलॉजी के व्याख्याता अमृतलाल मीना और स्कूल की प्रधानाचार्य मुकुट गुर्जर के बीच जमकर गाली गलौज हुई। प्रधानाचार्य और व्याख्याता के गाली गलौज और लड़ाई का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर व्याख्याता अमृतलाल मीणा ने महावीर जी थाने में प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज हमारे विद्यालय में कोई भी घटना नहीं हुई है और जो व्याख्याता अमृतलाल मीना द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। वो आए दिन बदतमीजी से बात करते रहते हैं, महिलाओं पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करते रहते हैं और सभी स्टाफ पर अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप उनका एक दैनिक क्रम है, वो चलता रहता है। हम लोगों ने उनको बिल्कुल ही हाथ जोड़ रखे हैं क्योंकि हमारा विद्यालय है। वहीं खबर राजस्थान के राजसमंद से है, जहां राजसमंद में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए मिलावट की मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवाया है। वहीं इसको लेकर सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव और टीम ने महासतियों की मादड़ी में बालाजी स्वीट्स पर मिल्क केक के प्रथम दृष्टया मिलावटी पाए जाने पर नमूना लेकर बाकी के लगभग 12 किलो मिल्क केक को मौके पर नष्ट करवाया है। वहीं खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां पिछले कई दिनों से एक आरोपी बाबा की करतूतों का एमएमएस वायरल हो रहा है। बता दें, लक्ष्मणगढ़ तहसील स्थित क्षेत्रपाल खेती तंतु जल मंदिर के बाबा बालकनाथ ने तंत्र विद्या से परिवार की समस्या दूर करने का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म किया था। युवती का कहना है कि जब वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर खड़ी थी तो बाबा बालकनाथ एक गाड़ी लेकर वहां आया। बाबा ने पीड़िता को गांव छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया और रास्ते में पेड़े खाने को दिए। युवती के आरोप हैं कि वह पेड़े खाने के बाद बेसुध हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला तो मैंने जैसा आपको बताया भी शुरुआती स्टेज में है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन और ये रेप से संबंधित है। बाबा का नाम, बाबा जो रिपोर्ट में है बाबा बालकनाथ नाम है, खेड़ी बंतू जिला लक्ष्मणगढ़ में है, वहाँ के आगे ठीक है।
खबर राजस्थान के राजसमंद से है, जहां 33वें जिले एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रमन कसारा, उप जिला शिक्षा अधिकारी ACBEO रामावतार मीणा समेत अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। समारोह में छात्राओं द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई हैं। हजार कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ द्वारा निर्मित कन्याकुमारी से कश्मीर तक राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का सुजानगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वरवेद कथामृत के प्रवर्तक संत विज्ञान देव महाराज के पहुंचने पर शहर के वेंकटेश्वर मंदिर से महेश्वरी सेवा सदन तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत के सैकड़ों अनुयायियों शामिल हुए। यात्रा के माहेश्वरी सेवा सदन पहुंचने पर संत विज्ञान देव महाराज ने दीप प्रज्वलन करने के बाद स्वरवेद कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान संत ने कहा कि स्वरवेद महामंदिर निर्माण के निमित्त कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा 30,000 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।